वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे, टाइम बहुत लेट अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ, अभी आई थिंक 5 बज रहे होंगे। और अभी जस्ट हमने चाय पी है और आज हमारे इधर का मौसम बहुत ही अच्छा वाला ही बोलूंगी, क्योंकि हमने बहुत टाइम से जो है ना बारिश नहीं देखी है। तो ऐसे बहुत तेज बारिश तो नहीं है। एक सेकेंड पहले मैं फोन ठीक करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हो रहा है, ट्राईपॉड ना टेढ़ा हो रहा है। मेरा ट्राईपॉड टूट गया है, पता है आपको? ऐसे पूरा नहीं टूटा है, लेकिन हल्का फुल्का टूट ही गया है। कल गांधी जी को गोली लगी, गोली लगी, गोली लगी थी। अच्छा, और फिर हमें मौन व्रत रखना पड़ा है। अच्छा, तो मैंने सेट कर दिया सर के। तो मेरा ट्राईपॉड क्या ना, एक साइड का वो पता नहीं मैंने यहाँ रखा था, पता नहीं जो यहाँ पेंट कर रहे थे उन्होंने रखा या किसके हाथ में गया, ये ना टूट गया एक साइड से। ऐसे बिल्कुल टूटा नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा स्टैंड करने में इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये हो रहा है। और आप सब कैसे हो कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं बहुत दिनों बाद जो है ना ब्लॉग फेस टू फेस आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं कि वॉइस ओवर में ब्लॉग चले गया है, क्योंकि काम कुम रहता है, यहाँ पे सब रहते हैं, तो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करूँ। जितना हो पाया उतना शूट करा आप लोगों के साथ। और आज है तारीख है आज 31 है, आज 31 है। बाहर मैं आपको मौसम दिखाऊंगी, बारिश वाला हो रहा है और बूंदाबांदी भी होने लग गई है यहाँ पे। मतलब जब से आप लगा लो काफी टाइम से बारिश नहीं हुई है, और सर्दियों में खासकर जनवरी का टाइम होता है बहुत बारिश होती है। इस बार बारिश हुई नहीं थी, अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश बहुत जरूरी है, ये हो जाता है। और मैंने ब्लॉग इसलिए भी स्टार्ट करा है क्योंकि मैं अब जा रही हूँ यहाँ के पर्दे लगाने के लिए, यहाँ के कर्टन लगाना है ये इधर इधर, क्योंकि अब ना हवा बहुत तेज आ रही है। और यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखो ट्राईपॉड देख रहे हो, टेढ़ा हो रहा है, ये मेरे को दिक्कत हो रही है बहुत इसलिए। तो हमारा यहाँ वाला जो काम है ना ये कंप्लीट हो चुका है, और सामान यहाँ पर है, क्योंकि अभी जब तक ड्राइंग रूम का हमारा काम नहीं होता है कंप्लीट ना, तब तक ड्राइंग रूम वाला सामान यहाँ पे रहेगा। तो इस चक्कर में वहाँ का सामान यहीं पर है, लेकिन अभी पर्दे लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पर्दे लगा रही हूँ यहाँ पे। मैंने रॉड तो ये लगा दी थी मॉर्निंग में साफ करके, अभी पर्दे लगाने की बारी है। और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ खिड़की जो है क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद मुझे आशी को पढ़ाने बिठाने, क्योंकि इनके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए, तो उसको बिठाऊंगी। इससे पहले पर्दे लगा देती हूँ। और ये एक्वेरियम वगैरह तभी जाएगा वहाँ पे जब ड्राइंग रूम का काम, एक्चुअली ड्राइंग रूम का काम क्या है बता देती हूँ, वहाँ पे वाइट वॉश करवानी है। वाइट वॉश का हमारा ऐसा था नहीं, लेकिन वहाँ पे जो टाइल्स लगवाई ना उसकी वजह से जो सीमेंटेड वाले पार्ट है ना वो हल्का सा टूटा है, तो इस वजह से और छीते छूटे ही पड़े हैं सीमेंट वगैरह के, तो इसलिए वो क्लियर करने के लिए एक हाथ तो मारना ही पड़ेगा, वाइट वॉश का ही हो जाएगा। तो चलिए अभी फटाफट पर्दे लगाते हैं और फिर आपसे वॉइस ओवर बातें भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पे जो पर्दे हैं ना वो मैंने लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, और ये हमने ना फोल्ड करके रख दिए थे जिस टाइम पे यहाँ पे काम चला था ना, तो अभी लगा रहे हैं। वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल अभी हमने वॉश ही करे थे उस टाइम पे जब लगाए थे ना, तो ये साफ हैं, फिर हटा ही दिए थे तो इतना इनमें गंदगी नहीं है। पैलमेट जो है मतलब जो रॉड्स हैं इनको मैंने दिन में क्लीन कर दिया था अच्छे से गीले कपड़े से, तो अब बस फटाफट से इनको लगाती हूँ और इसके बाद दूसरी जो सामने आप खिड़की देख रहे हो बगल में वहाँ पर लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर एक बार पर्दे लग जाए ना तो थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना बहुत हवा चल रही है और बैक से बहुत हवा आती है सुबह के टाइम भी, मतलब जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत हवा आती है यहीं से, तो जो दरवाज़ा है ना वो बंद करके रखना पड़ता है। और शाम को मतलब सुबह और शाम को हवा बहुत चलती है यहाँ पे इस वजह से। और बाहर आप देख रहे हो मौसम बिल्कुल बारिश, हल्की हल्की बारिश से इस टाइम पड़ रही है, अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने बहुत दिनों से ना बारिश नहीं देखी है। तो यहाँ पे देखो पर्दे लग चुके हैं, और ये पर्दे इतने अच्छे लगते हैं ना इस वाले रूम पे, क्योंकि ये ना यहाँ पे वाइट जो वाइट वॉश है वो वाइट कलर की है, और इस पर ना हमने जानबूझ के ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन ही रखा था। पहले भी आपने देखा था तो यहाँ पे वॉलपेपर जो था वाइट और ग्रे था, तो उसी का मैचिंग का ना हम लोग कर्टेन लेकर आए थे, और जो कि इस पे भी चल गया, क्योंकि हमने वाइट वॉश जो है वो वाइट कलर की कराई है ऑफ वाइट, और टाइल्स भी यहाँ पे वाइट कलर की है, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पर अब मैं जो है ना खिड़कियाँ जो है वो क्लीन कर रही हूँ, तो जो दो खिड़कियाँ ना ये हमारी खुल जाती है, लेकिन जो बगल की दो खिड़कियाँ आप देख रहे हो ना इनके ग्लासेस नहीं खुलते हैं, मतलब जिन्होंने ये लगाया था, खैर हमें तो इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन जिन्होंने लगाया उन्हें भी ये ध्यान नहीं रखा कि कभी खिड़की भी खोलने का होगा क्लीनिंग के लिए,
ज़रूरत होती है तो वो देखो खिड़की साफ़ ही नहीं होती है वहाँ से, इस वजह से थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो जाती है क्लीनिंग में। तो बस यहाँ पे जो रॉड्स हैं इनको भी मैं लगा दूंगी दोबारा से पर्दे वो करके। तो चार पर्दे हमारे इधर और चार उधर लगते हैं, और ये ना हमने पल्टन मार्केट से लिए थे कर्टन, बहुत अच्छे इनकी जो प्लेट्स है ना बहुत अच्छी बनती है, और जो हमने सिलवाया ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी जो हमारे ड्राइंग रूम के हैं, लेकिन ये बने बनाए बहुत अच्छे मिले, इनकी जो प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस पर्दे लग चुके हैं और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने जा रही हूँ मैं, लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे, लेकिन मूली के पराठे ना मैं भरवा करके नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, आशी खा लेती है, लेकिन सिया को जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, उसके मुंह में ज़्यादा मूली शायद जाती है, उसकी फीलिंग जाती है, वो पसंद नहीं करती है। तो जब भी मैं मूली के पराठे बोलती हूँ ना तो वो हमेशा मना करती थी कि नहीं मेरे को नहीं खाना, मुझे मत देना स्कूल के लिए। तो मैं बनाती ही थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ ना आटे में ही इसको ग्रेट करके डाल देती हूँ, ऊपर से धनिया वगैरह जो मसाले होते हैं वो डाल देती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब मैंने ट्राई करा था तो आशी और सिया दोनों को ही बहुत अच्छे लगे, फिर मेरे हस्बैंड को भी ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगे, भी पूछ रहे थे किस चीज़ के पराठे हैं ये, बहुत अच्छे लगे इनको। तो फिर अब मैं करती हूँ ना ऐसी बनाती हूँ, एक तो फटाफट बन जाता है, मतलब टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है, और ऊपर से जो खा रहे हैं उनको पसंद आता है सबसे बड़ी बात। तो अब मैं इस तरह से बनाती हूँ, वैसे कभी भरवा बनाने हो तो वो अलग चीज़ है, उसका स्वाद तो खैर अलग ही होता है, लेकिन इस तरीके से बच्चों को बहुत पसंद आता है तो फिर मैं ऐसे बना रही हूँ। इसमें मैंने धनिया वगैरह भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने आटे में ग्रेट कर दिया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और इसमें थोड़े बहुत से मसाले, बहुत ही बेसिक से मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा मैं अजवाइन इसमें हाथ में क्रश करके ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन के लिए ठीक रहता है इसलिए। तो थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन ले रही हूँ, और थोड़ा सा ही मैं इसमें हींग ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना दूंगी। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि जो हम मूली के पराठे में मूली को निचोड़ते हैं उसका पानी जो हटाते हैं ना, वो पानी भी हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो बस यहाँ फटाफट से मैं जो है सॉफ्ट सा आटा गूंद लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा जो है मैंने गूंद दिया है, और अब मैं इसके पराठे बना दूंगी। तो दो दो पराठे तो आशी और सिया टिफिन में ले जाते हैं, और एक एक पराठा वो खा के जाते हैं, और मैं आपको सच बताऊँ मतलब पहले वो बिल्कुल, मतलब अभी आप लगा लो एक दो साल पहले, मतलब वो ना सुबह कुछ खा के ही जाते थे, वो उनको सिर्फ बिस्किट और या ब्रेड हुआ तो वो ठीक है, पराठा वो कभी नहीं खाते थे। लेकिन पता नहीं अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको मतलब आदत सी पड़ गई कि बिना, अब वो बिना पराठा खाए नहीं जाते, और उनको ना इसके अलावा कुछ और चाहिए, उनको पराठा चाहिए चाहिए। तो मेरे को ये होता है कि हाँ चलो बच्चा एटलीस्ट एक खाकर गया है, लेकिन खाकर तो गया है ना, क्योंकि उसके बाद इनका 11:30 बजे के टाइम पे लंच जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से गरम गरम पराठे बनाएंगे, और इसके बाद बच्चों को उठाऊंगी मैं और उनको फिर रेडी करेंगे। और आजकल सुबह ठंडा रहता है ना, खुद तो उठने में आलस आता ही है, लेकिन बच्चों को उठाने में बड़ा वो लगता है, लेकिन क्या करें टाइम के साथ थोड़ा सा चलना पड़ता है, तो उनको मैं टाइम से उठाना ही पड़ता है बार बार, तो मैं नहीं बोलती हूँ, खैर उनकी अच्छी आदत ही है बच्चों की कि वो जैसे दो बार मैं तीन बार बोल दूंगी तो फिर वो उठ जाते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा 5 मिनट लेके ही उठते हैं ना, तो थोड़ा सा 5 मिनट मेरे को लगता है चलो उनको दे ही देते हैं, तो 5 मिनट बाद फिर वो उठ जाते हैं दोनों, और फिर अपना जो भी फ्रेश होके फिर वो रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको बाहर दिखाने लाई हूँ, अभी 7 बज रहे हैं और बाहर आप देखो अंधेरा ऐसा लग रहा है, और रात भर यहाँ बारिश हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है लेकिन रात भर हुई है, और अभी भी बादल लगे हुए हैं, और मौसम कुछ ऐसा है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। वैसे तो सर्दी अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अभी इस बारिश था कि बारिश हो जाए, तो बारिश हो रही है इसलिए अच्छा लग रहा है देखकर। और 2 दिन तो कंटिन्यू हमारे यहाँ इधर बारिश रही है। तो बस मैंने बाहर आपको दिखा दिया था, बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं, उसके बाद टाइम यहाँ पर दिन का हो गया आई थिंक 12:15 या 1 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मैं अब दिखा रही हूँ आपको अपना ड्राइंग रूम, जहाँ पे वाइट वॉश कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ना वैसे तो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा सा था, लेकिन अभी टाइल्स लगी उसकी वजह से छींटे वगैरह पड़ गए, थोड़ा सा टूट फूट हुई है, तो वाइट वॉश कराना बनता ही था, तो फिर हमने यहाँ पर वाइट वॉश करा दी है।
और अभी ये कंप्लीट हो गई है, पेंटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, मतलब जैसे विंडो वगैरह में पेंट वगैरह करना था वो भी हो चुका है। और ये लाइटिंग ना निकाल के रखी थी क्योंकि ऊपर फिर वाइट वॉश नहीं हो पा रही थी, तो जो भैया लोग कर रहे हैं ना वाइट वॉश वो लगा देंगे। और अच्छे से हो गई है, मतलब इसमें डबल कोट करा उन्होंने तो बहुत अच्छे से बैठ गया। ऊपर हमने नहीं कराया क्योंकि ऊपर बिल्कुल अच्छा है, ज़रूरत नहीं थी इतनी, इसलिए तो बस नीचे नीचे वॉल्स पर कराई, 3 वॉल्स पर हमने कराया है जो कि बहुत अच्छे से हो गया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो हमारे जो अंदर के बेडरूम्स हैं उनमें भी वाइट वॉश हो रही है। पहले हमारा नहीं था कि हम लोग वाइट वॉश करवाएंगे, लेकिन अभी जब काम चला ही है और हमारी जो वाइट वॉश है ना हमारे बेडरूम में, वो आप लगा लो बहुत सालों से नहीं हुए, बहुत सालों से, तो वॉल भी ख़राब हुई है, उनकी पेंट भी ख़राब हुआ है, और अब पेंट भी चेंज कराना है। ये जो पेंट कलर ये वाला है ना, ये मेरे को नहीं कराना है, डार्क कलर नहीं कराना है, मेरे को ऑफ वाइट ही कराना है। तो फिर इसलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे मतलब हमारे बेडरूम में, मम्मी के बेडरूम में जो है, और मंदिर रूम में, मंदिर में भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंदिर में अच्छा लगता है, हमारा पूजा रूम है सबसे पहले तो खैर उसकी ही होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी वाइट वॉश हो रही है। तो यहाँ पर सारा, क्योंकि कल जो है मेरे रूम में होगा वाइट वॉश, तो यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं ना मैं हटा रही हूँ यहाँ से, जो भी हैंगर्स में मेरे कपड़े हैं वो मम्मी के रूम में रख रही हूँ, और बाकी मैं ना फोल्ड करके संभाल के, कुछ जैसे कार्डबोर्ड के होते हैं ना उनमें, इन सब में संभाल के रख दूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो 10 बजे तक वो आ जाते हैं तो उनको रूम खाली चाहिए ही चाहिए, फिर जितना हम लेट करेंगे उनको भी उतना लेट होगा, इसलिए जितना मेरे से अभी हो पाया उतना सारा मैं हटा रही हूँ यहाँ से, सामान मम्मी कमरे में रख रही हूँ। कुछ जैसे ये कर्टेन वगैरह इनमें बांध दूँगी, कुछ जो डब्बे होते हैं गत्ते वाले ना उनमें रख दूंगी। और यहाँ पर आशी और सिया भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो उनसे भी सुनती जा रही हूँ, अपना काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ाई इन चीज़ों के लिए फिर मैं रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले हैं फाइनल, इस वजह से। शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, और आज 4 तारीख हो गई है। बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, एक्चुअली टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी ब्लॉगिंग का, और मन भी सभी मतलब हो जाता है क्योंकि जब टाइम नहीं लगता तो मन कहाँ से करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पाई। आज 4 तारीख है और जो लास्ट क्लिप आपने देखी होगी आई थिंक वो 3-4 दिन पहले की होगी, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पर अभी मैंने शायद आपको वॉइस ओवर में बता ही दिया होगा कि हमारे कमरे में जो है कल वाइट वॉश होनी है। वैसे यहाँ पर ऐसे था नहीं कि हम लोग करवाएंगे, लेकिन अभी जब फैला है तो फिर ये था कि चलो करा देते, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने बेडरूम्स में जो है वाइट वॉश नहीं करवाई, काफ़ी साल हो गए, तो अभी वाइट वॉश करवा रहे हैं। ड्राइंग रूम में हमारी डन हो चुकी है, तो यहीं पर अभी मैं सारे के सारे जो कपड़े हैं ना हटा रही हूँ यहाँ से, ये देखो कहाँ बैठ गई है, तो ये ना एक तो ट्राईपॉड मेरे को बहुत परेशान, तो जो कपड़े हैं वो हटा रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि क्या होगा ना कि टाइम नहीं लगेगा, सुबह सुबह वो 9 बजे आ जाएंगे, इस वजह से आज नहीं आए हैं, क्योंकि आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने शायद वॉइस वाले बता दिया होगा, इसलिए तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अभी जितना हो पा रहा है उतना मैं खाली कर दूँ, सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसलिए। और आशीर्वाद भी, क्योंकि कल स्कूल चल जाएंगे और आज दिन भर से बारिश लगी हुई है, मतलब कंटिन्यू बारिश ही बारिश, अब थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, और थोड़ा थोड़ा बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इनको भी पढ़ा रही हूँ साथ में, अपने काम भी करती हूँ। और अभी मैं बॉक्स ले आई हूँ ये वाला, आधे कपड़े मैं इस बॉक्स में रखूँगी क्योंकि जगह नहीं हो रही है, कहाँ रखो कहाँ रखो, तो मैं ऊपर बक्से के ऊपर रख कर आ रही हूँ, ये रहेगा कि इसमें ही रहेंगे, तो पीछे कमरे में रख दूँगी इसको मैं। तो और आप सब कैसे हो कॉमेंट करके ज़रूर से बताना, आप सब बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात ही नहीं पाती है, कोई आ रहा है शायद आया कोई, तो बस अब जो है कपड़े सारे के सारे फटाफट कर रही हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो सुबह हस्बैंड और मैं मिलके कर देंगे, जैसे पर्दे वगैरह हटाने हैं और बहुत सारी ड्रेसिंग टेबल हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हटानी है, वो सुबह ही होगा, लेकिन जो कपड़ों का काम था ना वो सुबह सुबह नहीं हो सकता, इसलिए भी मैं अभी कर रही हूँ। और वो मैंने बताया नहीं आपको, वाइट वॉश वाले भैया जो हैं वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि आज बहुत ज़ोर की बारिश थी और पूरे दिन बारिश थी, तो वो नहीं आ पाए क्योंकि वो दूर से आते हैं इसलिए। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लास्ट ब्लॉग में आपने आशी को बहुत सारा अपना प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।